हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाई कोर्ट में शुक्रवार को 4 अतिरिक्त जजों को स्थायी न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई गई। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्रा जोग ने एक सादा समारोह में जस्टिस अशोक कुमार गौड़, जस्टिस मनोज कुमार गर्ग, जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस वीरेंद्र कुमार माथुर को स्थायी न्यायाधीश के शपथ दिलाई। वहीं जस्टिस माथुर के शुक्रवार को ही सेवानिवृत्त होने के वजह से दोपहर में चीफ जस्टिस कोर्ट रूम में फेयरवेल रेफरेंस आयोजित किया गया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंद्रा जोग ने जस्टिस डॉक्टर वीरेंद्र कुमार माथुर की सेवानिवृत्ति के मद्देनजर नया रोस्टर जारी किया है। मंगलवार से लागू नए रोस्टर के तहत जोधपुर प्रवास के दौरान सीजे नंद्रा जोग सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र भाटी के साथ खंडपीठ में और दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक कोर्ट संख्या 1 में एकल पीठ के तहत एसबी सिविल मिसलेनियम अपील्स की सुनवाई करेंगे। डॉक्टर भाटी भी दोपहर 12 एकल पीठ में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वर्ष 2013 के बाद के मामलों की सुनवाई करेंगे। खंडपीठ द्वितीय में जस्टिस संगीत लोढ़ा सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक जस्टिस दिनेश मेहता के साथ और दोपहर 2 बजे से एसबी द्वितीय में एकेडमिक माइनिंग और कंपनी मैटर्स की सुनवाई करेंगे। सीजे की अनुपस्थिति में जस्टिस लोढ़ा की खंडपीठ पीआईएएल सहित अन्य मामलों की भी सुनवाई करेंगे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।